हेलो एवरीवन, और आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। 3 मैंगो ली हूँ मीडियम साइज का। अभी इससे मैं खीर बनाऊंगी। इधर 1 लीटर दूध ली हूँ, इसको गरम कर रही हूँ। अभी ये बॉईल हो जाएगा तो इसमें डालूंगी मैं बचा हुआ। मेरे पास चावल था पका हुआ, वही मैं इसमें डालूंगी। चावल, दूध और मैंगो से मैं खीर बनाऊंगी। देखिए, 1 लीटर दूध है, फुल क्रीम वाला दूध है, इसमें मैं डालूंगी। इधर बचा हुआ चावल है, इसको पका हुआ चावल है, इसको इसी करछुले से इसको दबा दबा के थोड़ा इसका पेस्ट बना लेती हूँ। कुछ खड़ा रहेगा अखा, अब कुछ टूट जाएगा तो अच्छा रहेगा, जल्दी खीर बनके तैयार होगी। दूध उबल रहा है, अभी इसी में मैश किया हुआ चावल इसमें डाल देती हूँ। अगर दूध में चावल पकाती तो टाइम लगता है, लेकिन इसमें टाइम नहीं लगेगा। मेरे पास पका हुआ चावल था, इसके लिए टाइम नहीं लगेगा। अभी इसी में डाल के अच्छे से इसको मिक्स कर दूंगी। अभी खीर थोड़ा गाढ़ी हो गई है, अभी इसमें डाल देती हूँ शक्कर को। तो डाल के एक में मिक्स कर लेती हूँ, और थोड़ा बादाम और पिस्ता इसमें डाल देती हूँ। तो अच्छे से चला दूंगी, एक में मिक्स हो जाएगा। और इसमें डालूंगी 3 लौंग। 3 लौंग डाल देती हूँ। 3 इलायची है, इसको भी कूट के इसमें डाल देती हूँ। अभी इसमें इलायची का पाउडर डाल देती हूँ, कूट के रखी थी। देखिए कितना गाढ़ी गाढ़ी खीर बन गई, बहुत जल्दी से तैयार। ये पका हुआ चावल था, मुझे दूध में चावल पकाना नहीं पड़ा, पहले से पका हुआ था। अभी इसको 5 मिनट और पकाऊंगी। अभी खीर बनके तैयार हो गई है, देखिए कितना अच्छे से खीर बनी है। अभी इसी पे इसको चूल्हा बंद करके इसको मैं 1 घंटे के लिए रख देती हूँ। बहुत अच्छे से ठंडा हो जाएगा, उसके बाद इसमें मैंगो डालूंगी। नहीं तो क्या है ना, अभी ये भी गर्म रहेगा तो मैंगो डालने से फट जाएगी खीर। इसके लिए इसको बहुत अच्छे तरीके से ठंडा कर लेती हूँ। अभी आम को इसमें डालती हूँ जार में, इसको पेस्ट बना लेती हूँ। अभी खीर अच्छे से ठंडी हो गई है, थोड़ा गाढ़ी भी हो गई है। अभी इधर मैंगो को इधर बाउल में एकदम अच्छे से पेस्ट बना ली हूँ। अभी इसी पेस्ट को इसी में डाल के अच्छे से मिक्स करूँगी। खीर ठंडी हो गई, खाली हल्का से थोड़ा सा गुनगुना है, गरम है, ज़्यादा गरम नहीं है। देखिए अच्छे से इसको मिक्स कर लेती हूँ। गरम रहेगा तो फट जाएगा, एकदम ठंडा हो गया, खाली थोड़ा हल्का हल्का गरम है, ज़्यादा नहीं गरम है। अब मिला लेती हूँ। देखिए इतने अच्छे से मिक्स हो गया मैंगो का पेस्ट, बहुत अच्छे तरीके से। गरम नहीं है, ठंडा हो गया है, नहीं तो ये फट जाता। अभी एक बर्तन में इसको सर्च करके मिलती हूँ। अभी इसको गार्निश कर लेती हूँ। मेरे पास कटे हुए मैंगो हैं, इसको इसी के ऊपर से डाल देती हूँ। सभी कटे हुए मैंगो को इसके ऊपर डाल दी हूँ, और थोड़ा पिस्ता और बादाम का कतरन है, इसको भी इसी के ऊपर डाल देती हूँ।
और थोड़ा मेरे पास टूटी फ्रूटी है, उसको भी इसी में डाल देती हूँ। मैंगो खीर बनके तैयार हो गई है। अभी हल्का गर्म है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है। अभी इसको फ्रिज में 1 घंटे के लिए रख देती हूँ, उसके बाद खाएंगे। ये बहुत अच्छा लगता है, बहुत टेस्टी होता है। हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। तब तक के लिए नमस्कार।